फेमिनिस्ट से या फिर किसी फेमिनिस्ट ग्रुप से झगड़ा करने के बाद तुम डर जाते हो, लेकिन फिर एक बंदा आता है सूडो फेमिनिस्ट प्लस सूडो फेमिनिस्ट ग्रुप्स का धजिया उड़ा देता है, उनको ट्रिगर करता है, उनके मुंह पे हंसता है। पैसे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने के बाद फेमिनिस्ट की टांगे जिस तेजी से फैल जाती है उससे भी तेज गति से एक बंदा पूरे इंटरनेट पे फैल जाता है। जितना नफरत प्रिया अपने मम्मी से नहीं करती, जितना नफरत श्रेया अपने लविंग एंड केयरिंग बॉयफ्रेंड से नहीं करती, जितना नफरत सोनू अपने ड्रग्स एडिक्ट बाप से नहीं करता, उससे भी कहीं ज्यादा नफरत फेमिनिस्ट ग्रुप एक बंदे से करते हैं। मगर क्यों? तो हाँ, इस वीडियो में ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसको राइट करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू आर लिसनिंग एंड्रू टेट, यू आर वियर्ड। तो अगर तुम एंड्रू टेट को नहीं जानते हो या फिर वो किस लिए फेमस है वो नहीं जानते हो, तो या तो तुम एक लड़की हो जिसको इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं है, या फिर एंड्रू तुम्हारे फीड में जगह ही नहीं बना पाया क्योंकि तुम्हें लड़कियां देखने से फुर्सत ही नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एंड्रू टेट फॉर्मर प्रोफेशनल किकबॉक्सर है, फिलहाल एक इंटरनेट पर्सनैलिटी है जो अपने पेड कोर्सेस बेचता है कि तुम अपने लाइफ को कैसे संवार सकते हो, कैसे बना सकते हो। वो बहुत कुछ ओन करता है जिससे वो तगड़ा डॉलर छापता है। और सबसे जरूरी चीज, वो एक कट्टर मिसोजिनिस्ट भी है लोगों के हिसाब से, जो कि वो मुझे मिसोजिनिस्ट कभी नहीं लगता क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं। एंड्रू कभी नहीं कहता वुमेन बिलोंग्स टू द किचन क्योंकि उसे पता है कि अगर सब किचन में चले जाएंगे तो उसे एंटरटेन कौन करेगा। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं तुम्हें किसी का फैन बॉय बनाऊं या फिर मैं तुम्हें किसी को हेट करने पे मजबूर कर दूं, बल्कि मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम भी महीने के 50 करोड़ से ज्यादा अर्न करते हो और तुम कहते हो कि लड़का लड़की एक समान है, तब भी लोगों को तुम्हारे बातों में लॉजिक दिखने लगेगा। वैसे तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि खुद का दिमाग यूज करने के लिए पैसे नहीं लगते। मतलब एंड्रू की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें तुम्हें लूप होल्स मिल जाएंगे अगर तुमने प्रैक्टिकल होके थोड़ा भी दिमाग लगा के सोचा तो। मगर फिर वही बात हो गया कि एंड्रू की कुछ बातें इतना सेंस बनाती है कि ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उसको बैन कर रखा है। Feminists are fucking walking down the street saying we want the same rights as men. You have more rights than men. There's not a single thing a man can do a woman can't do, but you have a whole bunch of laws in your favor. The law is set up in the way in the Western world where men have absolutely zero power. Most men are clinically depressed, working jobs they hate, or in sexless marriages, and they know they can't leave because they lose the house, and they lose the kids, and they lose everything else. They keep us divided and distracted. And they're doing that by motivating females and empowering to the point where they're going to sit there and go, you know what? I'm a feminist. You can't tell me what to do. I'm allowed to go out with my friends. He's just my friend. I'm allowed to sleep at his house and drink vodka. Oh, I only suck dick. What's the problem? You know what? Fine, we get a divorce. I'm taking the fucking house. Yeah. It's bullshit. इस वीडियो में झूठ का है। खैर, हम सबको इल्यूशन में जीना बहुत अच्छा लगता है। ऑल इज वेल। वो सो गई होगी। नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं यार, वो काम में बिजी होगा। हमारे सामने रियलिटी होता है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। टेट उस इल्यूशन को तोड़ मरोड़ देता है और यही एकमात्र रीजन है जिसके कारण बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और बहुत लोग उसको नापसंद करते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि सच कड़वा होता है और ये भी एकमात्र रीजन है कि फेमिनिस्ट उससे नापसंद नहीं बल्कि नफरत करते हैं। एंड्रू खुद कहता है अगर रिलेशनशिप में होते हुए कोई लड़का उसे फॉलो कर रहा है तो उस रिलेशनशिप का गेम ओवर है। ऐसा क्यों? तुम चाहे उसे कुछ भी कह लो, गैंगस्टर, मिसोजिनिस्ट या फिर मानव तस्करी करने वाला, लेकिन बंदे ने जो लोगों को और लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया है ना, वो तुम्हें खुद ब खुद समझने के लिए 10 से 20 साल भी कम पड़ेंगे। एक चीज नोटिस करना, जब वो बात करता है तुम्हें नहीं लगेगा कि वो हवे में बातें कर रहा है। या तो उसके बातों में फैक्ट्स होंगे या तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वही बातें कहेगा कि वही फैक्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि इस लेवल में आके उससे आर्गुमेंट जीतने के लिए फैक्ट्स काफी नहीं है। No problem with everybody who watches this disagreeing with me. Over hey Tate. Don't like him. Bye. Okay, I'm done. If everybody who watches this disagrees with me completely and they can articulate why and tell me why they disagree with me and they can think of an argument counter, then I've already succeeded. घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका कोई ह्यूमन वर्जन होता तो वो एंड्रू टेट होता। बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। बंदा आया, सिगार जलाया, पॉडकास्ट में बैठा, फैक्ट्स फैला और खत्म। टेट वो सब बातें लाखों लोगों के सामने बोलता है जिन बातों को तुम 10 लोगों के सामने पब्लिकली बोलने में घबरा जाओगे। I conquer TikTok faster than the nation states conquer countries. 4 months, I put a plan together, boom, now it's mine, I own it. Didn't spend a penny, I don't even have a TikTok account myself. ये बंदा ना एक मार्केटिंग जीनियस है। तुम ना चाहते भी तुम इसको देखने लगोगे, फॉलो करने लगोगे, और अगर तुम्हें इसे गलत साबित ही करना है तो मुझे भरोसा है तुम पे कि तुम इसको बहुत से पॉइंट पे गलत साबित भी कर दोगे, मगर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बुगाटी नहीं है। What color is your Bugatti?
लेकिन अगर तुम इसकी बातों को सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो तुम्हें नहीं कह रहा है कभी भी कि जाके अपनी गर्लफ्रेंड को पीटो, अपनी वाइफ को पीटो, कोई खतरा आने से अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में, अपनी वाइफ के हाथ में बंदूक पकड़वा के उसको आगे भेज दो। वो ऐसा तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है। वो कह रहा है पब जाने से बेटर है कि जिम जाओ, हार्ड वर्क करो ताकि तुम अपने सपनों को अचीव कर पाओ। किसी और को चेस करने से बेटर है अपने गोल्स को चेस करो। वो तुम्हारे साथ गलत होने से रोक रहा है इनडायरेक्टली, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है इनडायरेक्टली। वो तुम्हें वो सब बातें समझा रहा है जो तुम्हें खुद ब खुद समझने के लिए कम से कम 5 या फिर 10 साल लग जाएंगे। वो तुम्हारे फेक होप्स को तोड़ रहा है जो तुमने किसी और के ऊपर रख रखे हैं। वो तुम्हारे इल्यूशंस को तोड़ रहा है और तुम्हें रियलिटी से रूबरू करवा रहा है। रेड पिल, ब्लू पिल, इन सब का चक्कर तुम भूल जाओ, लेकिन एटलीस्ट तुम उसको इन सब बातों के लिए कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। मगर मेरे भाई, अगर तुम इसके वीडियोस देख के गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, तो तुम बहुत कुछ खो दोगे और बहुत कुछ खराब कर दोगे, और टेट आके कुछ भी ठीक नहीं करने वाला। और फिर भी अगर तुम गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, तो एक बार अपनी मम्मी का, एक बार अपनी बहन का, या फिर जो तुम्हारा प्यार डिजर्व करती है या फिर जिसको तुम प्यार करते हो, उनका चेहरा एक बार याद कर लेना। मुझे भरोसा है कि तुम इन्फ्लुएंस हो भी जाओगे उसके बाद, तो एक पॉजिटिव और एक हेल्दी वे में इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मुझे जानना है वैसे कि तुम एंड्रू के बारे में क्या जानते हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, तुम्हारा क्या राय है। और हाँ, इस वीडियो को आगे शेयर कर देना कहीं पर भी, अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि अगर वो इन्फ्लुएंस होते भी है तो एक सही तरीके से हो जाए।